बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें इसमें आ रहा है स्कैनर हैज़ फेल टू इनिशलाइज। तो अगर ये मसला आपकी मशीन में आता है तो आपने क्या करना है, ये देखें। बंद करके चलाओ जरा, ये देखें मशीन बंद हो गई। और ये जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो स्कैनर में किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं आती। ये देखें फौरी तौर पे स्कैनर हैज़ फेल टू इनिशलाइज आ जाता है, कॉपिंग एंड प्रिंटिंग अनअवेलेबल। तो ये जब फॉल्ट आए तो आपने क्या करना है, आपने जो है मशीन ऑफ करो, ये आपने ये वाला छोटा बोर्ड जो है इसको चेंज करना है। इसे खोलो जी, ये ग्रिप उतारेंगे हम इसके। इसकी जगह पे हम ये वाला बोर्ड जो है ये न्यू बोर्ड हम लगा देंगे तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। अभी हम इसको आपको बोर्ड जो है ये फिट करके दिखाते हैं। तो अभी ये आपका सामने जो है ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये देखिए हमने इस बोर्ड को तब्दील कर दिया है और अब मशीन को ये देखें ऑन करते हैं। ये देखें मशीन को हमने ऑन किया, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि मशीन इंशाल्लाह जो है ये स्कैनर का एरर नहीं देगी। तो आज की वीडियो में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये जो बोर्ड है ये हमारे स्कैनर को चलाता है। ये देखें जैसे ही हमने इसको बोर्ड को चेंज किया है ये हमारे स्कैनर जो है, ये देखें ये हमारा स्कैनर ऑन हो गया है। ये देखें ये देखें स्कैनर हो गया और हमारी मशीन रेडी टू स्कैन पे आ चुकी है। यानी अगर स्कैनर इनिशियलाइज फेल आ जाए तो हमारा ये वाला बोर्ड ख़राब होता है। आज की वीडियो में हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि इस बोर्ड का फॉल्ट होता है अगर स्कैनर से मुतालिक फॉल्ट आए। उम्मीद है कि आप आज की वीडियो जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया।